क्या हो जब आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाएं और सड़कों पर उतरकर आपकी मुश्किलें बढ़ाने लग जाएं। और यही शुरू हो गया है एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी मोदी सरकार के खिलाफ। जब उनके सबसे करीबी संगठन, या यूं कह लीजिए कि उनके गुरु यानी आरएसएस का संगठन, मोदी की मुश्किलें बढ़ाने सड़कों पर उतर गया है। दरअसल सुबह सुबह जो खबर आई है उसने मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा दी है, और इस बात से भी पर्दा उठा दिया है कि जब आप अपने करीबियों को ही खुश नहीं रख सकते हैं तो आखिर बाकी लोगों की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में दोबारा से वही दौर लौटने वाला है जब किसानों ने पूरी दिल्ली को जाम कर दिया था और अपनी मांगों पर अड़े रहे थे। और यही सब आज से शुरू हो गया है, क्योंकि किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का संगठन भारतीय किसान संघ यानी BKS खुद देश की राजधानी दिल्ली में आज किसान गर्जना रैली कर रहा है। आपको बता दें कि BKS किसानों से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, और यहां की तादाद 60,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये 60,000 लोग आज गर्जना रैली में मोदी सरकार के खिलाफ अपनी हुंकार भरेंगे। भारतीय किसान संघ लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज चल रहा है, और ये गुस्सा अब उनका फूट गया है। संगठन ने अब सड़क पर उतरकर दबाव बनाने की रणनीति अपना ली है। आपको बताते हैं कि भारतीय किसान संघ के किसान आज गर्जना रैली में 50,000 से 60,000 किसानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, और देश भर से किसान करीब 700 से 800 बस और 4,000 प्राइवेट वाहनों से यहां पर आएंगे और गर्जना रैली में शामिल होंगे। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान गर्जना रैली के होर्डिंग्स जो है, पोस्टर्स, सब कुछ लगा दिया गया है, और पूरी तरीके से दिल्ली तैयार हो गई है मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को। भारतीय किसान संघ के महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने यह तक कह दिया है कि किसानों से जुड़ी मांगों को दिल्ली में रैली कर अपना विरोध जताएंगे, जिसमें 600 जिलों के किसान शामिल होंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। BKS की मांग यह है कि केंद्र सरकार को कृषि उपज पर वस्तु एवं सेवा कर यानी GST नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा संगठन सभी कृषि उपज को GST से मुक्त करने की मांग भी कर रहा है। साथ ही साथ PM किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बढ़ी लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की मांग भी उठाई जा रही है। किसान संगठन अनाज में सब्सिडी के अलावा DBT के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग कर रहा है। किसान संगठन की मांग ये भी है कि सिंचाई और नदी लिंक प्रोजेक्ट्स के लिए भी मदद दी जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं दी जा रही है। BKS ने इस उद्देश्य के लिए अधिक पैसे देने करने की मांग की है। केंद्र सरकार से किसानों की मांग है कि GM यानी आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों के बीज को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। देश की निर्यात आयात नीति लोगों के हित में होनी चाहिए, और देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने की जो भी चीजें हैं उनको भी पूरी तरीके से माना जाना चाहिए, क्योंकि जब किसानों की अगर आय ही नहीं होगी, उनको फायदा नहीं होगा, तो वो खेती किसानी कैसे करेंगे। किसान क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाई जाए, जिसकी डिमांड की गई है। भारतीय किसान संघ की डिमांड यह भी है कि केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दे, ताकि किसानों को खेती के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। कार्ड धारकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI से प्रमाण पत्र की जरूरत के बिना ही माइक्रो प्रोसेसिंग फूड यूनिट्स लगाने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। दरअसल FSSAI प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया है, जो काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा करती है, जिससे किसान कतराते हैं कि इतनी लंबी प्रक्रिया जो है उसको पूरा करेंगे, उसमें वक्त जाया होगा, और जब तक उनका जो फसल बोने का वक्त है वो निकल जाएगा, फसल पूरी तरीके से नहीं निकल पाएगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से पैसे कम मिल रहे हैं उस चीज को भी बढ़ाया जाए। भारतीय किसान संघ का यह कहना है साफ तौर पर कि सरकार के पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा मौजूद है, इसके आधार पर ही किसानों को कारोबारी बनने के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए, इसके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ना हो, जिसमें और ज्यादा लंबा वक्त लग जाता है।
बीकेएस के कार्यकारी समिति के सदस्य नाना आखरे ने यह कह दिया है कि जो किसान देश को अनाज, सब्जियां, फल, दूध ये सब कुछ देता है, आज अपनी खेती को बढ़ाने के लिए उनको फायदा नहीं मिल रहा है, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, और ये लाभ नहीं मिलने की वजह से वो काफी ज्यादा निराश है। केंद्र सरकार से वो नाराज चल रहे हैं, इसी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली ये कह दिया गया है कि केंद्र सरकार जो उनकी नीतियों को नहीं मान रही है, किसानों के खिलाफ उनकी जो नीतियां चल रही हैं, उनकी वजह से ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और ये गर्जना रैली और ज्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो किसान है वो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इजाफा उनकी समस्याओं में हुआ है, कम नहीं हुआ है। और इसका ताजा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर किसानों को समझाने के लिए इतना ज्यादा किसान नाराज हो गए कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको मंच पर जाकर किसानों को समझाना पड़ा। ये सब कुछ उस वक्त हुआ है जब एमपी में चुनाव को मुश्किल से एक साल से भी कम वक्त बचा हुआ है, और ऐसे में किसान आंदोलन पर उतरे जो किसान हैं उनकी वजह से सरकार पूरी तरीके से टेंशन में आ गई है। और अब केंद्र सरकार की टेंशन भी राज्य सरकारों के साथ साथ बढ़ गई है क्योंकि खुद आरएसएस का जो संगठन है वो मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। सीएम, आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने किसानों को समझाने के लिए उनके मंच पर जाकर के सारी कोशिशें की थी, तब जाकर के वो शांत हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी जो मांगे थी वो लगातार अब भी चल रही हैं। उनकी मांगों को ना ही राज्य सरकार पूरा कर रही है और अब तो केंद्र सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है, इसमें आगे किस तरीके से किसान बढ़ते हैं और क्या वो इस पूरी रणनीति को पिछले वाले किसान आंदोलन की तरह ही अपनाएंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता है और केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है, तब तक वो इसी तरीके से रैलियां करेंगे, ये देखना वाकई बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिएगा। जय हिंद।